नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रिगार्डिंग थर्ड वेव ऑफ कोविड कि कैसे बच्चों को इफेक्ट करेगी, एंड दूसरी बात करेंगे होम्योपैथिक किट के बारे में जो आप अपने घर में रखें ताकि आपके बच्चों को कोविड 19 से सुरक्षा मिल सके, और जो रेगुलर कंप्लेंट्स हैं ये इस समय लॉकडाउन के अंदर, उसमें आपके बच्चे बिल्कुल ठीक रहें, सुरक्षित रहें। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ समझने वाली ये है कि आप अगर किसी भी वायरोलॉजिस्ट का, किसी भी स्टैटिस्टिशियन का या किसी भी अच्छे प्रोमिनेंट डॉक्टर का इंटरव्यू सुनेंगे तो सब में यही बताया गया है कि थर्ड वेव बच्चों के लिए थोड़ी खतरनाक हो सकती है। कारण क्या है? कारण यही है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी थर्ड वेव चल रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी थर्ड वेव फिनिश हो चुकी है, अमेरिका में तो फोर्थ वेव चल रही है, और इंडिया में अभी सेकेंड वेव टेपर डाउन हो रही है जो माना जाता है लगभग सितंबर तक होगी। तो अब ऐसे में मान कर चलिए कि लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन तीन महीनों में कभी भी जो आपकी ये थर्ड वेव है इंडिया को हिट कर सकती है, क्योंकि एक विंटर सीज़न होता है इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में। तो यहाँ पर ऑलरेडी बच्चों के अंदर ठंड में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ज़रूर होता है, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये सब इन्फेक्शन्स होते हैं। और अगर आपके बच्चे को कोविड 19 इन्फेक्शन हो गया तो आप समझ सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। इसीलिए आपके बच्चों के लिए थर्ड वेव थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अब ऐसे में मैं आपको बताने वाला हूँ होम्योपैथिक किट जो आप अपने घर में रखें जिससे आपके बच्चे सुरक्षित रहें। अब इस होम्योपैथिक किट में सबसे पहले बात करेंगे हम एक होम्योपैथिक मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन की। इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में तीन मेजर दवाइयाँ हैं। नंबर वन इज़ ऑसिमम सैंक्टम, नंबर टू इज़ जिंजिबर ऑफिसिनेलिस, एंड नंबर थ्री इज़ टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। अब देखिए, ये तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन अपने घर में बनाकर रखिए। करना यह है कि आप इन तीनों शीशियों को लेकर आइए, एक अलग से बड़ी बॉटल के अंदर इक्वल क्वांटिटीज़ में ये तीनों दवाइयाँ मिक्स कर लीजिए, और केवल 10 बूंद सुबह शाम अपने बच्चों को देते रहिए। तो इससे आपके बच्चों का जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, यानी नाक, गले और जो कान का इन्फेक्शन होता है, ये बार बार नहीं होगा। बुखार जैसी संभावनाएं जो इन्फेक्शन के बाद आती हैं ये ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हैं थोड़ी सी, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इस कॉम्बिनेशन को केवल सुबह शाम ही यूज़ करना है। अब जो इसके बाद किट में होम्योपैथिक मेडिसिन आपको रखनी है, उसमें सबसे पहली दवा है एकोनाइटम नेपलस। अब एकोनाइटम नेपलस जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो कि जैसे ही किसी भी कारण की वजह से आपके बच्चे को हल्का सा भी ज़ुकाम हो जाए तो ये ज़ुकाम के बाद से लेकर और अगले 24 घंटे की दवा है। यानी जैसे ही आपके बच्चे को ज़ुकाम शुरू हुआ, हल्का सा छींक आनी शुरू हुई, नाक से पानी बहना शुरू हुआ, आप फौरन एकोनाइट यूज़ करना शुरू कर दीजिए और इसे 24 घंटे तक दीजिए, तो आपका बच्चा पहले के मुकाबले बेहतर रहेगा। अगर ये कोराइज़ा आगे प्रोलॉन्ग करता है, जो कि नॉर्मली हमेशा करता ही है, तो उसके बाद 24 घंटे के बाद दवा बदल दी जाएगी। तो इसीलिए एकोनाइट नेपलस एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। दूसरा, अगर आपके घर में बुखार की कोई दवा मौजूद नहीं है और अगर आपके बच्चे को बुखार आ जाता है, आप आंख बंद करके एकोनाइट 30 रिपीट करिए, आपके बच्चे के फीवर में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी यहाँ पर किट में रहेगी आर्सेनिक एल्बम। अब सबको पता है आर्सेनिक एल्बम जो है कोविड 19 से प्रिवेंटिव भी है, कोविड 19 के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल हो रही है। मैं तो म्यूकर माइकोसिस तक में इस्तेमाल करी है, और अब तो मैंने जो वीडियो में बताया कि म्यूकर माइकोसिस की भी प्रिवेंटिव है। तो समझ लीजिए आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवा है, कोविड 19 से तो खासकर सुरक्षा देती ही है। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए पूछेंगे तो आर्सेनिक एल्बम 30 हम लोग ओपीडी में सालों से एलर्जिक बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। मतलब आपका बच्चा एलर्जिक है, खासकर रेस्पिरेटरी एलर्जी है, सांस लेने वाली एलर्जी है, जुकाम बार बार हो जाता है, छींकें बार बार आने लग जाती हैं, या फिर सांस फूलने लग जाती है, एस्थमेटिक हो जाता है, दवा आर्सेनिक एल्बम है। तो ऐसे बच्चों के लिए आर्सेनिक एल्बम हमेशा घर में रखिए, इस्तेमाल करिए, आपके बच्चे हमेशा ठीक रहेंगे। अब देखिए, जो यहाँ पर तीसरी दवा है वो है पल्सेटिला 30। अब देखिए पल्सेटिला कैसे इस्तेमाल करनी है। पल्सेटिला बेसिकली ओवर सेंसिटिव बच्चों की दवा है, हमारे प्यारे प्यारे नाजुक बच्चों की दवा है जिन्हें लाड प्यार से पाला गया है। अब ऐसे नाजुक बच्चों को कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी जुकाम हो गया, कभी सर्दी लग गई, कभी उन्हें लूज मोशंस हो गए, कभी पेट में दर्द हो गया, कभी कान में दर्द हो गया, कभी साइनोसाइटिस हो गया, कभी टॉन्सिलाइटिस हो गया, मतलब वो कभी ठीक रहते ही नहीं है। बेचारे नाजुक पर ही हैं तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है।
है। ऐसे बच्चों की दवा है पल्सेटला। अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, घर में कुछ खाने को बाहर से कुछ मंगा नहीं सकते, घर में ही मम्मी से फरमाइश करके बनवाना है, पेट गड़बड़ हो जाएगा, दवा पल्सेटला 30 है, घर में हमेशा रखिए और ऐसे बच्चों को देते रहिए। जो यहाँ पर चौथी इंपॉर्टेंट रेमेडी है, दैट इज़ नक्स ओमेगा। अब नक्स ओमेगा किसकी दवा है? इरिटेबल बच्चा, चिड़चिड़ा, गुस्सैल, ज़िद्दी और ऐसे बच्चा जिसके अंदर कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया चलता ही रहता है ऑल्टरनेट, तो ऐसे बच्चों की दवा है नक्स ओमेगा। ये बच्चे ना तो बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन करते हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी इसी तरह का है, परेशान करता है या फिर उसका पेट ठीक ही नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन से आप दुखी हो चुके हैं उस बच्चे के, तो नक्स ओमेगा 30 इस्तेमाल करिए, आपके बच्चों का पेट ठीक रहेगा। यहाँ पर जो आखिरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है, दैट इज़ कैल्केरिया कार्ब। अब देखिए कैल्केरिया कार्ब किन बच्चों की दवा है? जो लॉकडाउन में बच्चों ने वेट गेन कर लिया है, टेंडेंसी है बहुत जल्दी वेट पुट ऑन करने की, गोरे चिट्टे गोलू मोलू ऐसे बच्चे हैं, पसीना बहुत आ जाता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी सांस फूलने लग जाती है, बहुत जल्दी जुकाम खांसी हो जाती है और इतना पसीना आता है कि गर्मी भी बहुत लगती है और बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। तो ये बच्चे जो हैं, अगर उन्हें इस तरह की परेशानियां होती हैं, इस वजह से होती हैं, तो दवा कैल्केरिया कार्ब है। तो समझ लीजिए, अगर आप इस होम्योपैथिक किट में बताई गई दवाइयों को घर में रखते हैं और जैसा मैंने बताया है उस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी। अब समझिए देनी कैसे है। देखिए, जो मैंने टिंचर बताया था, वो टिंचर कॉम्बिनेशन आपको केवल 10 बूंद सुबह शाम देना है। जितनी दवाइयाँ मैंने बताई हैं, वो अगर इमरजेंसी में आपको सिम्टम्स मिलते हैं तो आप दिन में हर 2 घंटे पर भी दे सकते हैं, और नॉर्मल यूसेज में कोशिश करिए कि दिन में 3 बार दीजिए और 3 दिन तक दीजिए। पर अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो फ़ौरन नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी हैं। तो रिक्वेस्ट है, वीडियो को जनहित में शेयर करिए, बहुत सारे पेरेंट्स तक पहुँचाइए ताकि वो भी ये दवाइयाँ घर में रखें, इन दवाइयों को यूज़ करें, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे से इसी तरह जुड़े रहिए। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।